इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरन एक्सचेंज तो फॉरन एक्सचेंज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री तो किसी भी कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि फ़ॉरन एक्सचेंज की वैल्यूज़ क्या हैं और फॉरन एक्सचेंज की वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांगली डिपेंड कर, करती हैं कि उसका ट्रेड का सिचुएशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का सिचुएशन क्या है बिकॉज बैकेंड के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके बैकेंड के ऊपर जो चीज़ काम करती है फॉरेन एक्सचेंज को की वैल्यू को ऊपर लेके जाने के लिए या काम करने के लिए उसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं तो जब आप ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं तो नेचुरली जिन लोगों ने बाहर के लोगों ने आपका सामान खरीदा है उनको आपकी करेंसी में पे करना है और आपकी करेंसी की डिमांड ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू ऑफ द करेंसी विल गो अप और अगर ऑन द कंट्री आप इंपोर्ट कर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं आपके एक्सपोर्ट्स नहीं हैं ना होने के बराबर हैं या कम है एज़ कम्पेयर टू योर इम्पोर्ट्स तो इसका मतलब है कि जब आप इम्पोर्ट रहे हो बाहर के लोगों से सामान खरीद रहे हैं तो आपको उनको पेमेंट्स करनी है तो जब आप पेमेंट करेंगे तो उनकी करेंसी में करेंगे तो इसका मतलब है उनकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज करेगी आपकी करेंसी का सप्लाई बढ़ जाएगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो जो बेसिकली ट्रेड का परफॉर्मेंस और एक्सचेंज रेट वैल्यू ऑफ़ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं अब जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत अहम है एक्सप्लेन करने में कि आपकी ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या असर आएगा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट ऑल्सो गेट्स इफेक्टेड बाय दो एक्सचेंज रेट और ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है बिकॉज जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो एक अहम कॉम्पोनेंट है आपके ओवरऑल इनकम जनरेशन प्रोसेस का तो आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है और बहुत से फैक्टर्स के अलावा आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर और आपके ट्रेड के वॉलीम के ऊपर तो दे फॉरन एक्सचेंज इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल नाउ वेन वी आर डीलिंग विद फॉरन एक्सचेंज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन सो जब हम अप्रिसिएशन कह रहे हैं इसका मतलब तारीफ करना नहीं है अप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ सर्टन करेंसी और वो कैसे बढ़ेगी वी नो कि हमें जब किसी भी आदमी को किसी भी कंपनी को किसी भी हुकूमत को पेमेंट करनी है फॉरन कंट्री में तो वो उनके करेंसी में जाएगा वो हमारे करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो अगर हमारे करेंसी का सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट में डिमांड के रिलेटिवली तो हमारे करेंसी का वैल्यू नीचे चला जाएगा और अगर हमारे करेंसी का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी रुपए लेना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान में आके सैर कर सकें पाकिस्तान में आके पढ़ाई कर सकें पाकिस्तान में आकर अपना इलाज कर सकें पाकिस्तान में आके अपने कारखाने लगा सकें तो दीज आर द फोर मेजर रीजंस जिसके पीछे आपको फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट होती है डिमांड करते हैं आप तो ऐसा करने से अगर वो लोग ज्यादा हैं तो फिर उसका वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज इज कॉल्ड एप्रिसिएशन तो आई एल एक्सप्लेन दीज टू यूजिंग एन एग्जाम्पल सपोज नाइनटीन के अंदर ये रियल डेटा है असल वाला डेटा है तो इन द बिगिनिंग ऑफ नाइनटीन फॉर एग्जाम्पल जो यूरो है ट वॉज इक्वल टू वन यूरोक्वल टू हंड्रेड एंड वन पॉइंट वन एट डॉलर और जून की दोन दो हजार सत्रह में नाइनटीन नाइनटी नाइन से अभी इसका वैल्यू वन पॉइंट वन एट से कम होकर वन पॉइंट वन टू चली गई है तो अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यूज दोनों वैल्यूज को काउंट फॉर करें तो आप देख सकते हैं कि जो करंट वैल्यू है दैट इज वन पॉइंट वन टू माइनस द प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू तो आपके पास वैल्यू आती है माइनस जीरो पॉइंट जीरो हम इस नंबर को परसेंटेज में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब यह है कि यूरो की वैल्यू नाइनटीन से लेकर दो तक सिक्स परसेंट फॉल की है इसका मतलब है कि यूरो डिप्रिसिएट किया है बाय सिक्स परसेंट इसी तरह से अगर हम U.S. डॉलर की इसी टाइम पीरियड की वैल्यूज लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अप्रिसिएट किया है फाइन, तो अभी हमने देखा कि 1999 के अंदर जो यूरो और डॉलर की अभी डॉलर की वैल्यू हमने ली दैट इज नॉट पॉइंट एट फाइव यूरो पर डॉलर इन द बिगिनिंग ऑफ नाइन्टी था और इट वाज इट इंक्रीज फ्रॉम 0.85 यूरो पर डॉलर टू 0.89 यूरो पर डॉलर ऑन जून नाइनटीन 217 ठीक है तो अभी अभी हमने इस पर्टिकुलर वैल्यूज को उसी तरह से अब आपने करंट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू करके इसकी वैल्यू निकाल ली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आएगा प्लस 6% इसका मतलब है सेम टाइम पीरियड में जो यूएस डॉलर है वो एप्रिशिएट कर गया है बाय 6% तो एप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई है डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई है और इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करना है वेरी इजी कि आप जो भी टाइम पीरियड के ऊपर इनको एनालाइज़ कर रहे हैं उसकी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करेंगे आपको कितने परसेंट से वैल्यू ऑफ़ द करेंसी अप्रिसिएट किया है या डेप्रिसिएट किया है ये पता चल जाएगा डेप्रीसी विल बी इन टर्म्स ऑफ अ नेगेटिव साइन अप्रिसिएशन विल बी इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिव साइन अब जब किसी भी कंट्री की करेंसी एप्रिसिएट करती है यानी कि उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसकी मार्केट फॉरेन मार्केट में जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते राइट और जो फॉरेन गुड्स हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस वो चीप हो जाते हैं एंड यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उनको हमने एस्यूम किया हुआ है कि वो कांस्टेंट है इसी तरह से जब करेंसी डेप्रिसिएट करती है तो उस किसी भी मुल्क की करेंसी डेप्रिसिएट करती है तो उस कर उस कंट्री की इंटरनेशनल मार्केट में भेजी हुई प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सस्ती हो जाती हैं जबकि जो उसके अपने मुल्क की अंदर जब आप लेके जाते हैं फॉरेन गुड्स को तो वो उनको एक्सपेंसिव पे करनी पड़ती है नेचुरली ना, क्योंकि उनका वैल्यू डिटीरियेट किया कर हो जाता है और आपको ज़्यादा हायर प्राइस पे करनी पड़ी है तो आपको फॉरेन गुड्स अपने मुल्क में एक्सपेंसिव देखने को मिलती हैं और अभी ऐसे के सिचुएशन में अगर आपकी इम्पोर्ट्स कम हैं और आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो आपका जो करेंसी है वो उसका वैल्यू अभी तो कम है मगर वो वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज कर जाएगा मगर अभी वो अगर वैल्यू ऑलरेडी कम है और डेप्रिसिएट किए हुए आपकी करेंसी और आपके एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं और आपके इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो करेंसी का वैल्यू है वो फर्दर नीचे चला जाएगा राइट तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायनामिक्स दैट आर अप विद द फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन